सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी एनएम 10709 केस के बारे में क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी की रिगार्डिंग आज के डेट में जो भी अपडेट निकल के आ रही है इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों एक झलक देख लीजिए 22 अक्टूबर की बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीटीसी एनएम 10709 केस अपडेट। आखिर कब तक बीटीसी एनएम 10709 केस सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होगी, 2024 में या 2025 में केस क्लियर होगी, जानिए आखिर कब तक 10709 वैकेंसी क्लियर होगी और सीएम नीतीश कुमार के हाथों सभी एनएम बहनों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जानिए जल्दी से पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल का तस्वीर है और ये क्या चीज का तस्वीर है हम आपको बता रहे हैं। सभी बिहार दरोगा 1275 पदों पर जो बहाली निकल के आई थी, तो सीएम नीतीश कुमार के हाथों कल नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये कब देखने को मिलेगी, जो हमारी एनएम बहनों को सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और हम ऐसा ही बताएंगे, जो आज हमारी एनएम बहनों को सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया आखिर ये कब हमें देखने को मिलेगी, ठीक है इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तस्वीर इसलिए हम आपको लगाए जो एक दिन आपके ही हाथ में नियुक्ति पत्र होगी और यही सीएम नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार जी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आखिर ये कब आएगी समय, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो बिहार दरोगा का नियुक्ति पत्र कल दिया गया है सीएम नीतीश कुमार के हाथों, तो हमारी एनएम बहनों 10709 एनएम दोस्तों देखिए 10709 एनएम बहनों को नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा सीएम नीतीश कुमार के हाथों, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है यही आज टॉपिक है। तो आपको ही पता होना चाहिए अभी न्यू हेयरिंग डेट मिला है 25 नवंबर, क्या मिला है न्यू हेयरिंग डेट 25 नवंबर मिला है। मान लीजिए अगर 25 नवंबर तक कंट्रोल फाइल हो जाती है, ठीक है 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर को ही रजिस्ट्रार साहब, ठीक है ये केस को क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे जज साहब के पास, ठीक है जज साहब के पास क्या होगा केस ट्रांसफर हो जाएगा, रजिस्ट्रार साहब जज साहब के यहाँ केस को ट्रांसफर कर देंगे फाइनल सुनवाई के लिए। अब जज साहब देखिए 25, मान लीजिए 25 नंबर को केस ट्रांसफर हो गया, हर चीज हो गया, ठीक है तो हो सकता है मान लीजिए आपको दिसंबर में, हो सकता है जज साहब दिसंबर में फाइनल सुनवाई, अब दिसंबर में कभी भी हो सकती है, जो 1 से लेकर 30 दिसंबर तक कभी भी हो सकती है, ठीक है तो ये हम बात करते हैं। तो ये आपको हो गया, मान लीजिए इसमें कभी भी फाइनल आपको सुनवाई मिल सकती है। अब हो सकता है उस दिन जिस दिन फाइनल सुनवाई होगी, हो सकता है उसी दिन आपको केस क्लियर हो जाए या केस रिजर्व हो जाए, ये तो हम आपको बताएंगे। तो मोटा मोटी हम लोग मान करते हैं, मान लीजिए जो दिसंबर में अगर केस क्लियर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आपको डिसीजन दे देता है बीटीसी आयोग को, किसको बीटीसी आयोग को आपको दे देता है बीटीसी को, जो आप 3 महीना के अंदर 3 मंथ के अंदर जो है इस बहाली को क्या कीजिए बीटीसी एनएम 10709 बहाली को, 10709 बहाली को आप क्लियर करवाइए 3 महीना के अंदर, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च तक क्लियर होगी। तो ये जो आपको मजरा जो अभी हम आपको दिखाए हैं, ये अभी हम आपको दिखाए हैं, तो ये कब आपको देखने को मिलेगी, ये मंजर आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये मंजर आपको देखने को मिलेगी मार्च में, कब देखने को मिलेगी मार्च में, ऐसा ही यहाँ पे हमारी एनएम बहन खड़ा रहेगी और यही मुख्यमंत्री साहब जी, ठीक है ऐसा ही नियुक्ति पत्र देंगे और यही हम आपको एसटी बोर्ड पे बताने वाले हैं, जो आज हमारी एनएम बहनों को क्या नियुक्ति पत्र दिया गया है सीएम नीतीश कुमार के हाथों, ठीक है तो ये कब संभव है, ये लगभग आपको मानिए ना मार्च अप्रैल चला जाएगा, मार्च अप्रैल
अगर सब कुछ सही रहा तो 25 नंबर से पहले कंट्रोल फाइल हो जाती है तो हम बात करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फ्यूचर के बाद, मतलब फ्यूचर के हम बात बता रहे हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि ये दिखाना जरूरी था, ये बताना जरूरी था जो ये मंजर कब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा तस्वीर हम आपको कब दिखाएंगे, जो हमारी यहाँ पर एन ए बहन खड़ा रहेगी और सीएम नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र हमारी एन ए बहन को दे रहे होंगे, समझे कि नहीं। इसलिए यह हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों लोग पूरे परेशान हो चुके हैं, ऐसा नहीं परेशान नहीं हो चुके, आपको भी पता होना चाहिए कितना इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि ये तीसरा साल चल रहा है, ये आपको तीसरा साल चल रहा है और एक वैकेंसी तीन साल से परेशान है, ठीक है। और बीटीसी जेई वाले स्टूडेंट का भी बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बहुत जल्द ये जो है ना बीटीसी जेई वाले स्टूडेंट देखेंगे ये मंजर, हो सकता है जो नंबर में देख ले, समझे कि नहीं। तो इसमें हम मोटा मोटी यही आपको जानकारी देने वाले थे इस वीडियो में, जो कब तक केस क्लियर होगी, कब तक केस क्लियर होने की संभावना है और ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगी, हमारी एनएम बहनों को कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत किए हैं, केस आखिर कब तक क्लियर होगी, इसी पर हम लोग बातचीत किए हैं, जो केस कब क्लियर होगी, कब आपको काउंसलिंग करवाएगा और कब तक ये जाएगा, ठीक है। हम बता दिए दिसंबर मान लीजिए क्लियर होता है, जनवरी फरवरी मार्च तीन महीना का आपको समय दिया जाएगा, तो जनवरी फरवरी में आपको फाइनली काउंसलिंग करवा लिया जाएगा और उसके बाद मार्च में आपको मेधा सूची जारी किया जाएगा और सीएम नीतीश कुमार का हाथों आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये पूरे प्रक्रिया है। बट किस पे निर्भर करता है, ये अगर 25 नंबर को मान लीजिए काउंटर फाइल हो जाता है तभी इसी पे निर्भर करता है, अगर फिर से नया लोचा लगा हाथी लगा तो फिर दिक्कत है। खैर इस बार तो कोई लोचा नहीं लगेगा, इस बार तो साफ रजिस्ट्रार साहब बोल दिए, अगर हर हाल में आपको 25 नंबर तक काउंटर फाइल करना है, अगर करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे पहले करना पड़ेगा, 25 को तो सुनवाई है, उससे पहले काउंटर फाइल करना पड़ेगा, समझे। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तीन लोगों को केस से क्या होगा, साइड कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान से आप पूरी बातों को जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, कब क्या हो सकता है, क्या संभावना है, वही हम आपको बताएं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत बच्चे जो है ना पर्सनली कॉलो करते हैं, तो सर ये बताइए जो क्लास हम कैसे परचेज करेंगे, तो हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 80 51 30 57 35, ठीक है, नंबर दिख रहा है, इस पे आपको गूगल पे या पेटीएम करना, क्या करना है, गूगल पे या पेटीएम करना है, कितना तो 499 करना है, समझे। और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको मिल जाएगी क्लास, कितना तो 700। अभी 700 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हम जो है ना प्रश्न देंगे, क्योंकि 650 हम आपको पढ़ा दिए और आज 12 बजे हम 50 प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास लेंगे इसी नंबर पे, जो हम रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है ना फ्रॉड चल रहा है, तो 80 51 30 57 35 गूगल पे या पेटीएम से भेजना है, समझे कि नहीं, ध्यान से समझ लीजिए, जो नंबर हम आपको बता रहे हैं यही आपको जो है गूगल पे या पेटीएम से करना है, समझे कि नहीं। गूगल पे करेंगे तो पीएचटी की क्लास जाएगा, या पेटीएम से करेंगे तो पप्पू कुमार यादव आएगा, समझे कि नहीं। तो आपको 499 करना है, टोटल अभी 700 अभी जो है ना प्रश्न हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा चुके हैं, मतलब 600 पढ़ा दिए, 650 50 आज 12 बजे हम आपको पढ़ाएंगे, तो टोटल 700 हम अभी टोटल मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझे कि नहीं। इसीलिए जिनको भी चाहिए, क्योंकि YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ाएंगे जब तक आपको जो है एग्जाम नहीं हो जाती है 15,089 का, बट आपको अगर आंसर चाहिए, आपको PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो क्लास लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नाइट में क्लास नहीं हो पाई, तो ऐसा ही होता है कभी कभार जो है आपको क्लास नहीं हो पाती, तो उस केस में क्या करेंगे, आपके अगर आपके पास PDF रहेगा तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी दिए है जो कि आपको ठीक है महत्वपूर्ण जानकारी लगा, महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको दी है, समझे। तो सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ओनली फोर आज क्लास होगा, इसलिए सभी लोग 12 बजे लाइव जुड़ना नहीं बोलेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।